गाइज एप्पल ने अपनी 12 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें उसने लॉन्च करा है iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 pro। तो गाइज 12 सीरीज में ये तीन फोन एप्पल ने लॉन्च करे हैं, जो कि काफी बेहतरीन है, काफी मतलब यार काफी ज्यादा महंगे भी हैं। महंगे तो खैर उसके सारे फोन ही होते हैं, तो महंगे के साथ साथ पर इसमें कुछ अच्छे फीचर्स भी। और गाइज इसका जो मेन जो इसका अट्रैक्शन है वो है इसका कैमरा और इसका 5G। तो गाइज चलो मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो मेरा नाम है अमन कुमार और आप देख रहे हैं Tech24। तो गाइज देखो एप्पल ने अपने जितने भी तीन फोन लॉन्च करे हैं अपने 12 सीरीज में, तो उसमें मैं आप वैसे फीचर्स तो लगभग सेम ही है, पर मैं आपको iPhone 12 के बारे में और iPhone 12 Pro के बारे में बताऊंगा। तो गाइस देखो iPhone 12 में इस जो कि अभी इस टाइम जो कैमरे हैं वो है ट्रिपल कैमरा है उस पर बैक में। और गाइस इसका कैमरा का देखो क्या है ना, बेहतरीन कैमरा है। और इसमें ये बोला जा रहा है कि ये मूवी शूट के लिए बनाया गया है, मतलब साफ साफ क्लेम कर रहा है आईफोन 12 की एप्पल साफ साफ क्लेम कर रही है कि मूवी शूट भी कर सकते हैं आप इससे और आपको कोई प्रोफेशनल कैमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी देखने वाली बात है कि एप्पल ये क्लेम कर रहा है कि आप आईफोन 12 से मूवी शूट कर सकते हो। उसके बाद गाइज इसके हम चिपसेट की बात करते हैं, प्रोसेसर की बात करते हैं। तो इसमें देखो A14 का चिपसेट है, जो कि आईफोन देखो अलग प्रोसेसर बना, तो इनका लेटेस्ट जो है वो A14 है, जो कि आईफोन 12 में डला हुआ है। और इसका बताया जा रहा है कि प्रोसेसर काफ़ी फास्ट है, गेमिंग वगैरह आप इसमें बहुत आसानी से और हाई लेवल की गेमिंग आप कर सकते हो। और आपको तो पता ही यार आईफोन में हैंग वगैरह कोई इतनी दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि उसका प्रोसेसर और रैम वगैरह इतनी मैनेज कर लेती है चीज़ें कि वो स्लो डाउन होने देती ही नहीं है आईफोन को। और गाइज अब इसके बाद आते हैं डिज़ाइन पे। तो डिज़ाइन देखो इसका ऐसा रखा गया है, और इसका डिज़ाइन वैसे ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा स्टाइलिश बनाने की कोशिश नहीं करी है। जैसे आईफोन 5 आया था सेम वैसा ही इसका डिज़ाइन रखा गया है, बट थोड़ा बहुत तो देखो आईफोन यार जब भी आता है कोई भी न्यू तो एक न्यू चीज़ लेके आता है, तो इसमें भी ये इसने कुछ इनोवेशन करने की कोशिश की। और गाइज ये फ़ोन 5G है, जी हाँ ये फ़ोन 5G है, और इसमें आपको स्पीड तो माशाल्लाह मिलने वाली है इंटरनेट की। तो अगर आप 5G यूज़ करने वाले हो तो iPhone 12 बेस्ट आपके लिए। वैसे अब तो सारे फ़ोन 5G ही आएंगे, तो ये भी 5G है, और इन्होंने तो बता भी दिया कि हमारा फ़ोन 5G, आप इसे बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हो। गाइस इसके कैमरे में 3D मैपिंग भी है, जिसमें ये आपको 3D मैप करके आपकी पिक्चर्स क्लिक करता है। और गाइस ये काफ़ी अच्छा फीचर, आपको काफ़ी अच्छी इससे पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। और गाइस इस आईफोन 12 सीरीज में आपको बैक पे इन्होंने मैग्नेटिक बना रखा है, मतलब इसकी जो बैक है वो मैग्नेटिक है इसकी एसेसरीज के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे इसकी एसेसरीज इससे चिपक जाती हैं, तो इसका जो बैक है वो मैग्नेट का बना हुआ है, तो आप इस पे 1 रुपये का सिक्का भी चिपका सकते हो इस फोन पे। तो एप्पल जो फोकस करता है वो कुछ ही चीज़ों पर फोकस करता है, जैसे कि उसका हो गया है फर्स्ट, तो वो कैमरे पे फोकस करता है, क्योंकि एप्पल के कैमरे अगर अच्छे ना हो तो फ़ोन की वैल्यू ही क्या। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा वो अपने कैमरे पे फोकस करता है। तो कैमरा तो बता ही रहा है कि इसका बेहतरीन कैमरा है, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद वो डिज़ाइन पे फोकस करता है, और डिज़ाइन पे इसका काफ़ी अच्छा है, और फीचर्स तो ये सारे अच्छे देता ही है। तो गाइस देखो ये थे 12 सीरीज के फोन, जो कि था iPhone 11 12 mini और iPhone 11 12 pro। और गाइस अगर मैं इनकी प्राइसेस बता दूं, तो देखो iPhone 11 mini आपको पड़ेगा 69,900 का, वहीं पे आपको iPhone 12 पड़ेगा आपको 79,900 का, वहीं आपको iPhone 12 pro 1,29,900 का पड़ेगा। तो गाइज ये इसकी प्राइसिंग थी, और गाइज आप मेरे को बताना कि आप लोगे, क्योंकि देखो मैं तो ले नहीं पाऊंगा, मेरे पास मैं अपनी किडनियाँ नहीं बेचना चाहता, ना ही अपनी कोई बॉडी का पार्ट बेचना चाहता हूँ। तो आप बताना कि आप ये iPhone 12 की सीरीज जो आई है वो आप लेना चाहोगे, और लोगे तो आपको कौन सा लेना पसंद है। तो गाइज मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो अब मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। गाइज अपना ध्यान रखना, अपने आसपास का ध्यान रखना, और गाइज वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना। और गाइज मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।